Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class pre-9. Now it's time to start our English lecture of 19th of August. And today we are going to do block questions and questions present in oral activity of chapter number 6 named Qaid's Vision and Pakistan. First of all, we will do block questions and then we will move towards oral activities questions. Here we have first block question: why did Qaid have to take long tours during early days of independence? के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी के शुरू के सालों में, शुरू के दिनों में कायदे आज़म को लंबे दौरे क्यों करने पड़े, यानी वर्ल्ड कंट्री वाइड टूर्स उन्होंने क्यों किए, टूर्स दौरा. आंसर है हमारे पास, द कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड टू रेज द स्पिरिट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. कायदे आज़म ने आज़ादी के शुरू के दिनों में पूरे मुल्क के दौरे किए और उनका पर्पस क्या था उन टूर्स का, कि लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाया जाए, लोगों का एतमाद खुद के ऊपर, लोगों का कॉन्फिडेंस, खुद का एतमाद जो है उसको बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ में मुसलमानों का जो स्पिरिट है, जो मुसलमानों का जज्बा है, जज्बा ईमानी है, उसको उभारा जाए, उसको सामने लाया जाए. सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पूरी उम्मत मुसलमा की वननेस को क्यों हासिल करना चाहते थे, कायद आज़म ये क्यों चाहते थे कि मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट हैं, जो बरसगीर में रहने वाले मुसलमान हैं, उनमें इत्तेहाद आए. आंसर है हमारे पास, Qaid wanted the oneness of the whole nation because he knew that the strength of a nation lies in its oneness. Qaid Azam इसलिए मुसलमानों की यकजहती चाहते थे क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा था, वो इस बात को जानते थे कि किसी भी नेशन की जो स्ट्रेंथ है, जो किसी भी नेशन की ताकत है, वो इसकी यकजहती में है. And no nation can achieve its goal without being one as a nation. और कोई भी नेशन, कोई भी कौम उस वक्त तक अपने गोल को, उस वक्त तक अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकती जब तक वो एक कौम बनकर नहीं सामने आएंगे दुनिया के, जब तक वो यकजा नहीं होंगे, जब तक उनके अंदर यकजहती नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आर यू वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ ग्रेट लीडर. कि क्या आजकल के मुसलमान, क्या हम लोग, क्या आप लोग कायदे आज़म की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, कायदे आज़म की तवक्कोआत के मुताबिक, कायदे आज़म की उम्मीदों के मुताबिक हम काम कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ ग्रेट लीडर. वो कह रहे हैं कि हम कायदे आज़म की, या हम एक ग्रेट लीडर जो हमारा रह चुका है हिस्ट्री में, हम उसकी उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे. वी आर एंटायरली इग्नोरिंग द वेरी प्रिंसिपल्स फॉर विच ही स्ट्रगल्ड सो हार्ड. एंटायरली मुकम्मल तौर पर, हम मुकम्मल तौर पर उन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम उन कवानीन को इग्नोर कर रहे हैं जिनके लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सख्त मेहनत की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ निगलेक्टिंग द एडवाइस ऑफ कायद. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एडवाइस को निगलेक्ट करने के बाद, उसको नज़रअंदाज करने के बाद, अब हमारे पास क्या आउटकम निकल रहा है, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है. द रिजल्ट ऑफ neglecting the advice of Qaid is that we are swiftly falling the victim of fatal diseases of disunity and disharmony. Swiftly meaning likh le, swiftly tezi se, victim shikar, fatal mohlik, disunity naitafaki, disharmony gair hum ahangi. और निगलेक्ट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना.
अब वो कह रहे कि कायदे आज़म की एडवाइस को नज़रअंदाज करने का रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि हम जो हमारी कौम है, हम लोग बहुत तेज़ी से डिस यूनिटी, गैर इत्तफाकी और गैर हम आहंगी जैसी मोहलिक बीमारियों का बहुत तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। यानी हमारे अंदर हम आहंगी नहीं है, हमारे अंदर इत्तफाक नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हम इन बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओरल एक्टिविटी, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड कायद इग्नोर हिज एवर फॉलिंग हेल्थ। कायद आज़म ने अपनी मुसलसल बिगड़ती हुई तबीयत को क्यों नज़रअंदाज किया? Kaid ignored his ever falling health for the unity of the Muslims of subcontinent. Ab Kaid Azam Muhammad Ali Jinnah ne Muslims of subcontinent ke liye, musalmanon ke liye, barzagir ke musalmanon ke liye, Kaid Azam unke ittehad ke liye, unki yakjehti ke liye Kaid Azam ne hamesha apni tabiyat ko, apni kharab hoti hui tabiyat ko nazar andaz kiya. Kyun? Because he knew, क्योंकि वो जानते थे दैट देयर आर सम फोर्सेस हु वांट टू वाइप आउट पाकिस्तान फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वाइप आउट का मतलब होता है निकाल देना, मैप, नक्शा। क्योंकि कायदे आज़म ये जानते थे कि इस दुनिया में ऐसी कुछ कुव्वतें हैं, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो ये चाहती थी उस वक्त के दुनिया के नक्शे से भी पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को निकाल दिया जाए। यानी कुछ ऐसी फोर्सेस थी, ऐसे अनासिर थे, कुछ ऐसे ममालिक थे जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक स्टेबल स्टेट बने। जब उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली कोई भी रियासत कायम, कोई भी मुल्क कायम नहीं रह सकता। इसलिए मुसलमानों को यकजा करने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा से अपनी जो हेल्थ है उसको इग्नोर किया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही विश फॉर अ कंप्लीट हार्मनी एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म क्यों हार्मनी, क्यों यूनिटी चाहते थे, क्यों हम आहंगी चाहते थे पाकिस्तान के लोगों के दरमियान? Kaid wanted complete harmony and unity among the people of Pakistan because he knew that the strength of a nation lies in its oneness and no nation can achieve its goal without being one as a nation. Same question as one of your block questions. आपने जो block question में answer किया है बिल्कुल उसी answer के ऊपर base करता हुआ आपका ये answer है कि कायदे आज़म इसलिए मुसलमानों की या पाकिस्तान के लोगों के दरमियान यूनिटी चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी नेशन यकजा हुए बगैर अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती। एंड द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ इग्नोरिंग द कायद्स एडवाइस। सेम क्वेश्चन एज द लास्ट ब्लॉक क्वेश्चन। आपके पास जो लास्ट ब्लॉक क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल उसी के साथ, उसी के ऊपर बेस करता हुआ दूसरा क्वेश्चन है और आंसर भी आपका सेम रहेगा कि कायद आज़म की एडवाइस को इग्नोर करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट निकल रहा है। द आउटकम ऑफ इग्नोरिंग द कायद्स एडवाइस इज दैट वी आर स्विफ्टली फॉलिंग द विक्टिम ऑफ द फैटल डिजीज ऑफ दिस यूनिटी एंड दिस हारमनी। कि कायद आज़म की एडवाइस को इग्नोर करने के बाद हम दिस यूनिटी और दिस हारमनी जैसी बीमारियों का, गैर इतफाक़ी, ना इतफाक़ी और गैर हम आहंगी जैसी बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ब्लॉक और एक्टिविटी क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर नंबर 6 के। आपके पास तो डायरी है, आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करना है अपनी कॉपीज पर, इनको याद करना है। यहाँ पर हमारा इंग्लिश का आज का लेक्चर कम्प्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। तो डायरी ऑफ 19 अगस्त ऑफ पाकिस्तान स्टडीज इज़ चैप्टर नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट 1, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया बिफोर पार्टीशन। कि पार्टीशन से पहले या तकसीम से पहले मुसलमानों की माशी सूरत हाल क्या थी सब कॉन्टीनेंट में या इंडिया में। अकॉर्डिंग टू योर नोट्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ फ्राम पेज नंबर 8 to 9। हेयर इज़ पेज नंबर 8।
economic deprivation of Muslims in India before partition. The name of first heading will be War of Independence 1855-1857. It starts from when War of Independence to end phase serious sequences. When the War of Independence was over, जब जंगे आज़ादी 1857 के जंगे आज़ादी ख़त्म हो गई. द मुस्लिम्स वर ओप्रेस्ड वेरी बैडली. तो मुसलमान बहुत बुरी तरह माशी बदहाली का शिकार थे, दबे हुए थे, उन पर ज़ुल्म सितम की पहाड़ टूट पड़े. ऑल द हिंदू सपोर्टेड द मुस्लिम्स इन दिस वॉर. बेसिकली जो 1857 की वार थी उसमें हुआ क्या था, उसमें इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो ये था कि 1857 में जो है अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की जो मुग़ल हुकूमत थी उस टाइम पे 1857 से पहले इंडिया में उसको ख़त्म कर दिया. ठीक है, 1857 में जब आखिरी जो मुग़ल बादशाह थे जब उनकी भी हुक्मरानी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद अब उस टाइम पे मुसलमान जो थे वो क्या थे, रूलर थे, हुक्मरान थे, जबकि अंग्रेज़ों ने उनकी हुकूमत ख़त्म की थी. ठीक है, अब जब 1857 की जंग आज़ादी में ये था बेसिकली कि उसमें हिंदू भी मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे. ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर से तो वो मुसलमानों के साथ थे लेकिन अंदर से वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, हिंदूज जो थे. अब वो हिंदू जो मुसलमानों को उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि मुसलमान अपनी आखिरी मुग़ल सल्तनत बचाना चाहते थे और चाहते थे कि वो बरसगीर पर जो है वो हुक्मरानी करते रहें, उनकी बादशाहत कायम रहे. अगरचे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हिंदू और अंग्रेज़ जो थे वो मुसलमानों पर काफ़ी हद तक काबिज़ हो चुके थे. 90% तो वो मुसलमानों की मुआशियात पर काबिज़ हो चुके थे, मुआशियात, कल्चर. ठीक है, लेकिन अब जो अंग्रेज़ थे वो खुलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ गए. ठीक है, 1857 के जंग आज़ादी में जब मुसलमानों के जो अंग्रेज़ों के जो मध्य मुकाबिल थे वो बेसिकली मुसलमान थे, क्योंकि उन्होंने हुकूमत किससे छीनी थी, मुसलमानों से छीनी थी. लिहाजा जो हिंदू अंग्रेज़ थे वो मुसलमानों को ही अपना क्या करार देते थे, अपना दुश्मन करार देते थे. ठीक है, ऑल द हिंदू सपोर्टेड द मुस्लिम इन दिस वॉर. अगरचे जो हिंदू उन्होंने मुसलमानों के जंग में सपोर्ट किया था, बट डिक्लेयर्ड दैट ओनली द मुस्लिम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल देयर एक्शंस इन दिस वॉर. लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ही इस जंग का जिम्मेदार करार दे दिया. दस दे एक्विटेड देमसेल्व्स ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्होंने अपने आप को हर तरह की इक्विटेड कहते हैं बरी जिम्मा करार देना. उन्होंने अपने आप को हर तरह की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा करार दिया. द मुस्लिम्स वर टारगेट्स ऑफ द रैथ ऑफ द ब्रिटिश. अब जो मुसलमान थे वो ही अंग्रेज़ों के निशाना थे. सो दे सफर्ड अ लॉट एंड फेस्ड सीरियस सिक्वेंसेस. लिहाजा मुसलमानों ने जो है बहुत ज़्यादा सफ़र किया इस जंग में और मुसलमानों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ा. ठीक है, अब ऐसे कौन से नताइज थे जिसका मुसलमानों को सामना करना पड़ा, या 1857 के जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को अंग्रेज़ों के किन किन जुल्मों सितम को बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि बेसिकली अंग्रेज़ों ने हुक्मरानी तो मुसलमानों से ही छीनी थी. लिहाजा वो सबसे पहले जो अपना दुश्मन है वो मुसलमानों को ही समझते थे. ठीक है, सो द फर्स्ट हेडिंग इज़ डिप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम्स फ्राम गवर्नमेंट जॉब्स. द ब्रिटिश डोमिनेटेड बाय प्रिजुडिस एनिमिटी. अंग्रेज़ों ने तासुब और मुस्लिम दुश्मनी के तहत डिसमिट ऑल द मुस्लिम्स फ्राम द गवर्नमेंट जॉब्स, इस्पेशली फ्राम आर्मी एंड शट द डोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू द मुस्लिम्स. अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को तमाम सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया, ख़ास तौर पर आर्मी से निकाल दिया. ठीक है, यानी कि फ़ौजी मुलाजमतों से निकाल दिया, फ़ौज से निकाल दिया, और उन पर रोज़गार के तमाम दरवाजे बंद कर दिए. डिस्पाइट हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द सम जॉब्स. अब कुछ जॉब्स ऐसी थी जहाँ पर मुसलमानों की क्वालिफिकेशन इतनी थी कि वो उस पर पूरा उतर सकते थे. ठीक है, या उस जॉब के लिए वो सूटेबल थे. द मुस्लिम्स वर डिप्राइव्ड ऑफ इट. मुसलमानों को उससे महरूम रखा गया. ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द हिंदूज वर ऑफर्ड जॉब्स इवन इफ दे हैड लेस क्वालिफिकेशन. दूसरी तरफ जो हिंदू थे उनको नवाजा गया नौकरियों से, बेशक उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी. अगर उनकी क्वालिफिकेशन मुसलमानों से कम भी होती थी उसके बावजूद उनको हर तरह की सहूलियात दी गई. ठीक है, सो बेसिकली जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने मुसलमानों को ही अपना दुश्मन करार दे दिया. द नेक्स्ट हेडिंग इज़ हिंदू मोनोपोली इन लोकल ट्रेड. सॉरी, डिप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम्स फ्राम प्रॉपर्टीज़. द मुस्लिम्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. मुसलमानों को उनकी जायदादों से भी महरूम कर दिया गया.
देयर प्रॉपर्टीज वर कॉन्फिस्केटेड, उनकी जायदादों को जब्त कर लिया गया। सम मुस्लिम्स लैंड ओनर्स वर टर्नड ऑन देयर लैंड्स, बहुत से जो मुसलमान जागीरदार थे उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया। देयर प्रॉपर्टीज एंड लैंड्स वर अलॉटेड टू द नॉन मुस्लिम्स, मुसलमानों की जितनी बड़ी जायदादें थीं, ठीक है, और उनकी ज़मीनें थीं, वो नॉन मुस्लिम्स को दे दी गईं। द मुस्लिम्स बिकेम टेनेंट कल्टिवेटर इंस्टेड ऑफ ऑनर ऑफ द लैंड, अब जो मुसलमान थे वो वहाँ पर अपनी ही ज़मीनों में जो है मालिक के बजाय मजारे बन गए, यानी कि जो किसान खेतों में काम करते हैं, ठीक है, और उनको उनके दिन की दिहाड़ी दे दी जाती है या मामूली से मुआवजा अदा कर दिया जाता है। सर सैयद अहमद खान हैज़ डिपिक्टेड दिस मिजरेबल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, अब सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की इस हालत ज़ार का नक्शा कुछ यूँ बयान किया है। नो क्लैमिटी हैज़ descended from heaven that had not searched the houses of the Muslims before it turned down to the earth. कोई भी बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुँचने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूँढा हो, यानी कि मुसलमान हर तरह से मुसीबत का शिकार थे, ठीक है। The next heading is Hindu trade monopoly in local trade. अब हिंदुओं की जो मोनोपली थी या उनकी आप कह सकते हैं हिंदुओं की अजारादारी, ठीक है। द बिजनेस ऑफ द मुस्लिम्स वर रिमूव्ड, मुसलमानों के जो बिजनेस थे वो तबाह हो गए। इन ऑर्डर टू गेट द सपोर्ट ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं की हमायत हासिल करने के लिए द ब्रिटिश गेव देम स्पेशल बिजनेस प्रिविलेजेस, अब हिंदुओं की सपोर्ट को हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को स्पेशल जो है वो तजारत में क्या दी, मराद दी। द हिंदूज इस्टेब्लिश मोनोपोली इन लोकल ट्रेड, उन्होंने अपनी अजारादारी कायम कर ली मकामी तजारत में हिंदुओं ने। द मुस्लिम ट्रेडर सफर्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, और जो मुसलमान ताजर थे वो इक्तसादी बहरान का शिकार हो गए, उनके बिजनेस तबाह हो गए, ठीक है। द नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, एज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, जब बरतानिया में सनती इनकलाब आया, बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट्स वर मैनुफैक्चर्ड देयर, तो बरतानिया में यानी कि इंग्लैंड में जो है अच्छा माल और सस्ता माल बनने लगा जिसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और वो था भी चीप। दीज प्रोडक्ट्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने ही मुल्क से उन प्रोडक्ट्स को लाकर क्या किया, इंडिया में सेल करना शुरू कर दिया। इट रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, इससे जो इंडिया की घरेलू सनत थी, ठीक है, वो क्या हुई, तबाह हुई, यानी कि इंडिया में जो सामान बनता था फिर उसको कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि अगर वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती भी तो वो महंगा होता था, फिर लोग उसी को प्रेफर करते जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और हो भी सस्ता, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो इम्पोर्ट किया हुआ ब्रिटिश की प्रोडक्ट्स थी उन्हीं को परचेज़ किया। विच बिलोंग टू वेरियस नेशंस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स, द कॉटेज इंडस्ट्री कोलैप्स्ड बिकॉज इट कुड नॉट कम्पीट विद द मॉडर्न इंडस्ट्री, और फिर जो घरेलू सनत थी इंडिया की, यानी कि इंडिया में जो बहुत से मुसलमान भी थे और कुछ दूसरी कौमें भी थीं, ठीक है, जब वो जो भी अपना उनका कारोबार चल रहा था इंडिया में वो सबका सब तबाह हो गया, क्योंकि लोग उस परचेज़ ही नहीं करते थे। जब परचेज़ ही नहीं करते थे तो फिर ज़ाहिर है फिर उनको फ़ायदा नहीं होता था, बल्कि उल्टा वो नुकसान में जा रहे थे। इससे क्या हुआ कि जो मुसलमानों की अपनी सनतें थीं वो तबाह हो गई, ठीक है, और वो मॉडर्न इंडस्ट्री का मुकाबला ना कर सकी। द लास्ट हेडिंग इज़ बैन ऑन एक्सपोर्ट, द गुड प्रोडक्ट्स इन ब्रिटेन कुड नॉट बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, बट इंडिया प्रोडक्ट्स वर डिमांडेड नाइदर इन ब्रिटेन नॉर इन यूरोप, अब ऐसी चीज़ें जो बरतानिया में बन रही थी कुड बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, उनको हम इंडिया में ला सकते थे, बट इंडियन प्रोडक्ट्स वर डिमांडेड नाइदर इन ब्रिटेन नॉर इन यूरोप, लेकिन जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बन रही थी उनकी डिमांड ना तो बरतानिया में थी और ना ही यूरोप में थी। द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन गुड्स वॉज इफेक्टेड एंड मिलियंस ऑफ पीपल सफर्ड अनएम्प्लॉयमेंट विच इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ द मुस्लिम्स, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, जो इंडिया की जो चीज़ें थी, जो सामान बनता था इंडिया में, ठीक है, वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और लाखों की तादाद में मुसलमान जो है वो लोग बेरोज़गार हो गए, जिसमें ज़्यादातर तादाद किसकी थी, मुसलमानों की थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ डायरी, अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट डायरी।